अस्सलाम वालेकुम, मैं दुबई क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल बाहर खड़ा हूं और ये वीआईपी गेट है जहां पर मैं खड़ा हूं। और अब तक का जो सिनेरियो है वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां लोकल टाइम दुबई के 3 बजे गेट खोले जाएंगे शायकीन के लिए, तो पाकिस्तान टाइम 4 बजे बनता है और मैच शुरू होगा 6 बजे दुबई टाइम और पाकिस्तानी 7 बजे शुरू होगा। इससे पहले जब वर्ल्ड कप यहीं पर हुआ था तो उस वक्त लोकल टाइम 7 और पाकिस्तानी टाइम 8 बजे मैच यहां पे होते थे, मगर बाद में ड्यू फैक्टर हुआ इसलिए ये टाइम जो है अब 7 बजे जो है की बजाय 6 बजे कर दिया, यानी लोकल टाइम दुबई के 6 बजे मैच यहां पर शुरू होगा। और यहां पर इंतजाम बड़े ख़ास रखे गए हैं, खासकर अगर आप बात करें पाकिस्तान इंडिया मैच को लेकर तो बड़ी तादाद में शायकीन यहां पर आते हैं। और दूसरा अहम मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान का होता है, उसमें भी बड़ी तादाद में शायकीन यहां पर आते हैं। पिछली बार अफगानिस्तान पाकिस्तान मैच के दौरान थोड़ा सा हंगामा रही हुई थी, इसलिए इस बार इंतजाम काफ़ी सख्त किए हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच में चूंकि खचाखच भरा होगा स्टेडियम, इसलिए इंतजाम खास रखे हैं। आप देख सकते हैं हर तरफ जो है वो बार वगैरह लगाई गई है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ कि ये रोड है, अगर आप सामने देख रहे हो तो यहाँ पर हर तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया है और बड़ा जिग जैग रास्ता बनाया है कि जो फैंस होंगे उस जिग जैग से ही होकर निकलेंगे। तो रास्ता इस तरह से बनाया गया है कि फैंस बड़ी तादाद में इकट्ठे हो ही नहीं सकते हैं, नेचुरली जिग जैग है तो 8-10 फैन ही एक लाइन में आएंगे और बाकी पीछे रहेंगे, तो मैच का लुत्फ भी उठा सकते हैं और किसी किस्म का हंगामा रही होने का यहाँ पे खतरा भी काफ़ी कम है। और ये स्टेडियम के बाहर के आप मनाजिर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है। और अगर मैं पाकिस्तान और भारतीय कैंप की बात करूँ तो पाकिस्तानी कैंप से खबर ये है कि वसीम जूनियर जो इंजर्ड हो गए थे और उनको पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा था, अब उनको नहीं भेजा जा रहा, उनको रिहैब के लिए टीम के साथ ही रखा गया है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शदीद इंजरी नहीं है, लगभग 5-7 दिन के अंदर वो मुकम्मल फिट हो जाएंगे, लेकिन उनको टीम के साथ रखना चाह रहे हैं। और इंडियन कैंप से खबर यह है कि वीवीएस लक्ष्मण जो हैं वो वापस इंडिया जा चुके हैं क्योंकि राहुल ड्राइविड का कोविड टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया है और उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया है। आज पाकिस्तान और भारत दोनों शायकीन एक खिलाड़ी पर खास नज़र जमाए हुए हैं और वो हैं विराट कोहली। अभी तक जो मनाजिर हैं क्रिकेट स्टेडियम के बाहर के वो हमको दिखाए, जैसे ही शायकीन जहाँ पर आएंगे और टीम जब यहाँ पर आएगी तो तब जो मनाजिर होंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।